Elements in definition of factory: premises, manufacturing, number of workers at any point of preceding 12 months. 10 or more workers, with power system, power user, or 20 or more workers without power. Here's the example of this is sugar factory. जहाँ पर 12 महीने काम नहीं होता है लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड है तो हम लोग उसमें फैक्ट्री मान के चलेंगे, डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड और एक था मैन्युफैक्चरिंग में ऑर्डिनरी कैरिड ऑन, एक बार डेफिनेशन को रीड कर देते हैं। Section 2M defines the term factory as any premises including the precinct thereof. Precinct matlab adjoining area. Example, outside the garden. जो हम लोग का घर होता है उसका जो अलग से हम लोग गार्डन रखते हैं उसको भी हम लोग घर के अंदर ही मानेंगे, ठीक है। Where 10 or more workers are working or where
of the preceding 12 months and any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power or is ordinarily carried on. Example, seasonal manufacturing unit. ठीक है? Where on 20 or more workers are working or where working on any day of the preceding 12 months. Preceding 12 months में अगर 10 से ज्यादा काम कर रहा है, आज के दिन में अगर 4 भी काम कर रहा है, लेकिन पहले 10 से ज्यादा या फिर 20 से ज्यादा काम करता था, तो फिर वो फैक्ट्री में आ जाएगा, ठीक है? But does not include mine, mobile unit belonging to armed force, railway running, ये exceptions है. लॉ में ना हाइलाइटर यूज करना. कल से सब लोग हाइलाइटर लेके आना ना. लॉ में हाइलाइटर यूज करना इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट एक डेफिनेशन था मैन्युफैक्चरिंग. उसमें मैंने बहुत अच्छा एक याद करने के लिए कॉपी किया, किसी से इसलिए कॉपी किया नहीं किया है. हम फिर से क्या रिपीट करें एग्जाम्पल में आ सकता है
एक वर्कर है जिसको क्या जिसको रेमुनरेशन नहीं मिलता है, तो वो वर्कर का डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेशन में क्या है? कहीं पर तो गया वन बार, वेदर फॉर रेमुनरेशन और नॉट, हाईलाइट हाईलाइट करना है ये पॉइंट, वेदर और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही दिखेगा कि उसको पैसा नहीं मिलता था, एक वर्कर है जिसको पैसा नहीं मिलता था, डायरेक्ट लॉजिकली क्या है क्या आएगा माइंड में, तो डायरेक्ट यही आएगा ना कि उसको पैसा ही नहीं मिलता है तो वो वर्कर कैसे हुआ, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन में क्या है, फैक्ट्री सेट 1948 डेफिनेशन में क्या है, वेदर और नॉट इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इन क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी और प्रमाइसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और यहाँ पर क्या है, और एंड नहीं, और है कुछ भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो सकता है, क्लीनिंग भी हो सकता है, मशीनरी का क्लीनिंग पार्ट भी वो करता है, या फिर प्रमाइसेस में यूज होने मतलब कोई भी प्रोसेस में वो काम करता है, ठीक है। और द सब्जेक्ट बीइंग डिपेंडेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सब्जेक्ट मतलब मम्मी नहीं पापा ही ज्यादा बोलता है ना, पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो कम बोलता है ज्यादा, पापा बोलता है ना। पंजाबी में है हा? अगर हम लोग हिंदी में लेंगे तो क्या कहेंगे, जाओ जाकर पढ़ने बैठो, अगर पंजाबी में बोलेगा तो क्या बोलेगा, तुम लोग क्या बोले समझ नहीं आ रहा है, तुम लोग क्या बोलेगा, अभी तो पढ़ के आए हैं, ठीक है अभी जाके पढ़ने बैठे हैं, तो पढ़ता रिया है देखो पापा, थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। तो हम लोग तो यही बोलेंगे ना, जस्ट तो अभी तो आए हैं,
थोड़ा सा रुक जाइए, अभी जा रहे हैं पढ़ने। पढ़ तो रहे हैं, देखो पापा ऐसे बोलेंगे आप। पंजाबी थोड़ा अच्छा लगता है ना पंजाबी में बोलने से, हिंदी में मजा आता है। समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लगा। पढ़ता रहा है, देखो पापा, ये मतलब देखो है तो पंजाबी में पापा बोला है जाओ जाके पढ़ने बैठो। ठीक है, हम तो क्या बोलेंगे कि अभी तो पढ़ के आए हो, हाँ पढ़ तो रहा है, देखो पापा, पढ़ता रिया देखो पापा। ठीक है, तभी पढ़ता पी पर्सन लिख लो। हाँ ये हम पी से पढ़ने। थोड़ा
संक्रमित, कोरोना संक्रमित। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित व्हाट्सएप इमेज बहुत वायरल हो रहे हैं, ठीक है? तो उससे लिखो एमपी क्लीनिंग, सी से क्लीनिंग, एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी और प्रमाइसेस, एस से सब्जेक्ट, डब्ल्यू से डब्ल्यू आई से वर्ड, इंसिडेंटल टू और कनेक्टेड। बाहर ये बात चल रहा था, ठीक है? तो दिमाग में क्या आएगा? थोड़ा बहुत काम में आया कि बाहर ये सब बातें चल रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट उठाओ फोन, अच्छा फिर तो उठाना पड़ेगा फोन। कान में आ गया कोई एक बात, तो अभी क्या करना है? फोन उठाओ। जो यहाँ पर एक्सेप्शन है, फोन मत उठाओ। ए से आर्म फोर्स, ए से आर्म, एफ से फोर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है? जो एक्सेप्शन है क्या है? बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। याद रखने के लिए कि तो फिर उठाओ फोन देखने के लिए क्या वायरल हो रहा है, लेकिन क्या है वो एक्सेप्शन है, ठीक है? Next definition क्या है? Occupier।
गवर्नमेंट का रूल्स एंड पावर बताया गया था। डेफिनेशन का सेक्शन आप लोग याद रखने का ट्राई कीजिएगा, हाँ, क्योंकि वो शॉर्ट मार्क्स में आ जाता है। फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल लॉ का जो भी डेफिनेशन सिलेबस में रहता है ना, उसका ये सब सेक्शन देता ही है एक दो मार्क्स का, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्क्स कवर नहीं होता है ना, लेकिन इसलिए थोड़ा थोड़ा सेक्शन से उठा के दे देता है, ठीक है। तो अभी ऑक्यूपायर का डेफिनेशन देखते हैं। एक बार कोई एक रीडिंग करो तो ऑक्यूपायर का डेफिनेशन। सेक्शन टू क्लॉज एन डिफाइन द नाम ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री, फैक्ट्री का ऑक्यूपायर, ठीक है, यहाँ पर डैश रह सकता है या फिर फिलिंग का मीन्स रह सकता है, चूज द करेक्ट आंसर रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री, ये मीनिंग में कौन सा ऑक्यूपायर किसके बारे में बोल रहे हैं, फैक्ट्रीज का ऑक्यूपायर कौन है। एज द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल, एग्जाम्पल काम वाली बार जो घर का वो रहता है, ऐसा नहीं कि किसी किसी घर का काम वाली बार ऐसा होता है कि वो लोग साथ में रहते हैं, लेकिन उसके पास अल्टीमेट कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है, उसका कंट्रोल किसका होता है, या फिर मम्मी के पास या फिर पापा के पास या फिर तुम लोगों का घर में हो तो तुम लोगों के पास, लेकिन कामवाली भाई के पास अल्टीमेट कंट्रोल नहीं रहता है, तो उसको हाईलाइट कर दो, अल्टीमेट कंट्रोल मम्मी के पास उसको रहता नहीं है, एज अ पर्सन ऑक्यूपायर है, इन द सेंस ऑफ ऑक्यूपायर, इन जनरल मीन्स ऑक्यूपायर है, लेकिन फैक्ट्रीज के टर्म में एज अ पर्सन लॉ में तो यही ड्यूटी है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है, या फिर पूरा बोले जाए एज ऑफ अ फैक्ट्री एज अ पर्सन हु है, पर्सन मीन्स इंसान ही होगा, ठीक है, और तो डॉगी तो नहीं हो सकता है ना, ठीक
एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर जो जो हो रहा है या फिर फैक्ट्री के व्यू से ऑक्यूपायर कौन हो गया, जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है, ठीक है। इन केस ऑफ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर और मेंबर देयर ऑफ, अगर फर्म के साइड से देखें कोई भी मेंबर, ठीक है, कोई भी मेंबर, कोई भी पार्टनर ऑक्यूपायर है, इसमें से क्वेश्चन आता है ना, अगर कंपनी के साइड से देखें तो कौन हो जाएगा, एनी वन ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है, मेन कौन रहता है कंपनी में, डायरेक्टर, ठीक है, तो एनी वन ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है। फैक्ट्री के इन केस ऑफ फैक्ट्री ओन और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी फैक्ट्री अगर कंट्रोल में है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास और एनी लोकल अथॉरिटी, तो उसमें कौन हो जाएगा, द पर्सन और पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, जो पर्सन वो फैक्ट्री को मैनेज करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर लोकल अथॉरिटी में, ठीक है। यही से लिंक करके फिर से बताओ किसके पास अल्टीमेट पावर रहता है फैक्ट्री को अप्रूवल लाइसेंसिंग डी लाइसेंस करने के लिए, एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, यस सर, ऊपर में देखो तो ऑक्यूपायर्स का ऊपर में द स्टेट गवर्नमेंट में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी नहीं रहता है, ठीक है, अभी भूल गया तो इन केस ऑफ अ शिप, अगर शिप का, शिप का देखने से इन द व्यू ऑफ शिप में विच इज बीइंग रिपेयर्ड और ऑन विच मेंटेनेंस वर्क इज बीइंग कैरिड आउट और इन ए ड्राई डॉक विच इज अवेलेबल फॉर हायर, डॉक मीन्स जहां पर आके सारा शिप, ठीक है, और हायर मतलब मालिक कौन दूसरा है, लेकिन कोई दूसरा आदमी उसको हायर में लेके चला रहा है, ठीक है। तो शिप के इन केस ऑफ अ शिप व्हिच इज बीइंग रिपेयर्ड और ऑन व्हिच मेंटेनेंस वर्क इज बीइंग कैरिड आउट, जो आदमी रिपेयर में है मेंटेनेंस वर्क सारा देखते हैं वही आ जाएगा ऑक्यूपायर्स के डेफिनेशन में। उसमें नेक्स्ट में दे दिया कि ओनर ऑफ डॉक, डॉक का ओनर कौन होता है, सेक्शन 6, उसके बाद किसे कहते हैं, नोटिफाइड बाय ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर का ड्यूटी क्या हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस चीफ इंस्पेक्टर को 15 डेज, एटलीस्ट 15 डेज पहले, जब आप कोई फैक्ट्री ऑक्यूपाई करते हैं एटलीस्ट 15 डेज पहले उनको एक नोटिस दो, ठीक है, नोटिस दो, मेरा जो ये वर्ड है नोटिस दो, नोटिस तो कुछ भी हो सकता है, हाँ, हम लोग डायरेक्टली चीफ इंस्पेक्टर को बोल सकते हैं, ऑरली भी अगर जान पहचान का हो ऑरली भी बोल सकते हैं, ठीक है, नोटिस दो उनको बताओ, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 7 में क्लियरली बोल गया कि अ रिटन नोटिस, ठीक है, हाईलाइट करना ये वाला पॉइंट, सेंड टू अ चीफ इंस्पेक्टर अ रिटन नोटिस जिसमें रहना चाहिए नेम एंड सिचुएटेड ऑफ द फैक्ट्री, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, द नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चर इन प्रोसेस,
हुआ है कि एक्सेट्रा, एक्सेट्रा में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नोटिस बाय ऑक्युपायर सेक्शन 7, ऑक्युपायर इज रिक्वायर्ड टू सर्व अ नोटिस एटलीस्ट 15 डेज बिफोर, एटलीस्ट 15 डेज बिफोर ही इज टू ऑक्युपाई और यूज एनी प्रमाइसेस, ऑक्युपाई भी हो सकता है या फिर वो यूज भी कर रहा है, ठीक है। एनी प्रमाइसेस एज अ फैक्ट्री, तो उसको किसको नोटिफाई करना होगा, चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। उस वो नोटिस में क्या क्या कंटेंट रहेगा, नेम एंड सिचुएशन ऑफ, सिचुएशन ऑफ फैक्ट्री, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्युपायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर ऑफ द प्रमाइसेस, एड्रेस टू विच कम्युनिकेशन इज रिलेटिंग टू द फैक्ट्री मे बी सेंड, ऐसे नहीं है ना बुक में, ऐसा क्या है ना बुक में, देखे रख दिया है, ठीक है। आप लोगों को अगर फुल मार्क्स चाहिए, आप लोगों को बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं कि सेक्शन 7 नोटिफाई बाय ऑक्युपायर, ऑक्युपायर क्या क्या नोटिफाई करता है, उसका कंटेंट क्या क्या रहता है, और मार्क्स है 5 मार्क्स मिलेगा इसमें से, 5 मार्क्स लिखो। ऑक्युपायर इज रिक्वायर्ड टू सर्व अ नोटिस सेक्शन 7, फर्स्ट लिखना, ऑक्युपायर इज रिक्वायर्ड टू सर्व अ नोटिस एटलीस्ट 15 डेज बिफोर, 15 डेज बिफोर ही नीड्स टू ऑक्युपाई, कंटेनिंग में लिखो, पॉइंट ए बी टू सी लिखना, 1 2 3 ऐसे करके लिखो, नेम एंड सिचुएशन ऑफ फैक्ट्री, सिचुएशन ऑफ फैक्ट्री, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्युपायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर ऑफ द प्रमाइसेस, जो ऑक्युपायर है उसका नेम एंड एड्रेस, जो प्रमाइसेस का मेन ओनर है उनका नेम एंड एड्रेस, एड्रेस टू विच कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू द ऑक्युपायर हो गया, उसके बाद ओनर का नेम एंड एड्रेस, फोर्थ पॉइंट में है एड्रेस टू विच कम्युनिकेशन, कोई भी अगर रिप्लाई आता है अपोजिट साइड से, मतलब चीफ इंस्पेक्टर के साइड से, वो लोग कहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू द फैक्ट्री मे बी सेंड, वो लोग अगर कुछ सेंड करते हैं तो कहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मे बी सेंड, मे बी सेंड, मे बी सेंड, नेक्स्ट नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टोटल ब्रेक हॉर्स पावर, टोटल ब्रेक हॉर्स पावर इंस्टॉल, HORSE हॉर्स पावर मतलब सिक्स पॉइंट हॉर्स पावर इंस्टॉल और टू बी इंस्टॉल,
Name of the manager. Name of the manager. Next, number of the workers likely to be employed. Workers in the okay. Number of workers likely to be employed. Or next, such other particulars as may be prescribed. Such other particulars as may be prescribed. Other amendment aage section 7 mein कुछ भी changes आता है, कुछ भी contains करके आता है, तो भी वो भी include हो जाएगा एक contain list में, ठीक है? Next seven में और एक point है, अगर आपका member change हो जाता है, ठीक है? Occupier must send a written work. आपका सिस्टम
plant and it's smelling of the plant and plant and system of work which are condition mein hai ki nahi agro sector lo theek hai with the use jab wo use ho raha hai with the use handling and transport of article and substance with the use handling and transport of article and substance फैक्ट्री में बहुत सारा चीज ऐसा होता है जिससे कुछ भी हो सकता है कुछ मशीनरी ऐसा नहीं होता है ठीक है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल एंड सब्सटेंस सच इंफॉर्मेशन उन लोगों को इंफॉर्मेशन दो ताकि वो लोग अवेयर रहे कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ठीक है instruction training and supervision as are necessary जहां जहां पर जरूरत है उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए सुपरवाइज कोई एक ऐसा को बिंदु सा नॉलेज हो सुपरवाइज करे ठीक है जहां पर जरूरत हो उन लोगों को वर्कर्स को ट्रेनिंग दो सुपरवाइज करो ठीक है ऑल प्लेसेस ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक है ऑल प्लेसेस ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री लास्ट वर्किंग एनवायरनमेंट तो जनरल ड्यूटीज हो जाता है ऑक्यूपायर का ए और नेक्स्ट 7B जो हम लोग का बुक में नहीं है फिर भी एक बार बोल देते हैं जनरल ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर ठीक है ऑक्यूपायर का हो गया ऑक्यूपायर के डेफिनेशन में 7A में ये ड्यूटीज आ गया है और सेकंड 7B में मैन्युफैक्चरर का ड्यूटीज क्या रहता है ठीक है वो भी लिख लो बुक में नहीं है तो क्वेश्चन में आ जाता है लिख पाओ manufacturers every person who designs manufactures imports or supplies imports 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 or supplies any article for use of any factory next point to design and construct it about the uses for which it is designed
इसलिए वो बनाया गया है. ठीक है. अबाउट एनी कंडीशन नेसेसरी टू एंश्योर. अबाउट एनी कंडीशन नेसेसरी टू एंश्योर दैट द आर्टिकल ensure that the article when put to such use will be safe. ठीक है. उन लोगों को अच्छे से समझा दो कि जो जब वो यूज कर रहे हो आर्टिकल when put to such use will be safe. सेफ्टी मेजर करना. ठीक है. आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो उन लोगों के लिए एक ड्यूटी और ज्यादा हो जाता है. इट शैल बी ऑप्शन. इफ मैन्युफैक्चर आउटसाइड इंडिया इट शैल बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द इंपोर्टर. उन लोगों के लिए मैंडेटरी हो जाता है टू फॉलो ऑन द पार्ट ऑफ द इंपोर्टर फॉलो इंडियन स्टैंडर्ड्स. फॉलो इंडियन स्टैंडर्ड्स IS और फॉरेन स्टैंडर्ड्स इफ दे आर अपग्रेडेड. मैन्युफैक्चरर का जनरल ड्यूटीज होता है जो बुक में नहीं है. ठीक है. Thank you.